नई सुबह प्रेजेंट्स इस्लाम में मुस्कुराहटें। सईद बिन जुमहान कहते हैं, हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने में मेरी मुलाकात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के गुलाम सफीना से हुई। मैंने उनके पास 8 रातें गुजारी। मैं उनसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अहदीस मुबारक पूछता रहता। एक मर्तबा जब मैंने उनसे उनके नाम के मुतालिक पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपने नाम के मुतालिक तो नहीं बताऊँगा, अलबत्ता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मेरा नाम सफीना रखा है। मैंने पूछा, आखिर किस वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने आपका नाम सफीना रखा था? उन्होंने बताया कि एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने असहाब के साथ एक गजवे में रवाना हुए। सहाबा किराम के पास कुछ सामान ज्यादा था जो उन्हें भारी लग रहा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, अपनी चादर फैलाओ। चुनाचे मैंने अपनी चादर फैला दी। इधर लोगों ने अपना सामान मेरी चादर पर डाल दिया और चादर उठाकर मेरे ऊपर रख दी। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, इहमिल फइन्नमा अंत सफीना, उठाकर ले चलो क्योंकि तुम सफीना यानी कश्ती हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के इस लकब से मैं इतना खुश हुआ कि अगर उस दिन मुझ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 या फिर 7 ऊंट का बोझ भी लाद दिया जाता तो भी मुझे भारी नहीं लगता, बशर्ते लोग मुझे इतना बोझ उठाने से मना ना करते। रवाहु अहमद व तबरानी। Allah